हाय एवरीवन, वेलकम टू द विवेक गुरुजी। विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह, और आज इकोनॉमिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर की तरफ देखते हैं कि व्हाई ऑयल प्राइजेज आर राइजिंग एंड हाउ इट विल इंपैक्टेड ऑन इंडिया, कि एक्चुअली में ये इंडिया के ऊपर कैसे इंपैक्ट डालेगा। क्रूड ऑयल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एनर्जी का सबसे इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल सोर्स। लमसम दुनिया की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, सभी को पता है। तो अगर मैं बात करता हूँ वेनेसडे की, इसी वेनेसडे की अगर बात करता हूँ, तो 2019 के बाद, समझ में आया कि नहीं है, कि जो क्रूड ऑयल का दाम है वो $71 पर बैरल हो गया, मतलब हाईएस्ट है ये 2019 के बाद। कहानी कैसे स्टार्ट होती है हम उसको समझते हैं कि वाई आर क्रूड ऑयल प्राइजिंग आर राइजिंग, वाई, तो वाई को खोजते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, तो आपको भी अच्छे तरीके से पता है, अगर आप इस स्लाइड को देख रहे हैं तो यहाँ पे जो बातें लिखी हुई हैं आप आराम से देख लेना, पॉज करके वीडियो, एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है। फिर साथ ही साथ आप इसको भी आप आराम से बैठ के देख लेना कि एक्चुअली में क्या बात लिखी है। मैं इन दोनों की समरी आपको बता देता हूँ। एक्चुअली में अगर हम बात करते हैं तो 2021 की अगर हम बात करें, स्टोरी कैसे स्टार्ट हो रही है, स्टोरी ऐसे स्टार्ट हो रही है कि 2021 में अगर हम बात करते हैं तो पहला जो 5 महीने है, उस पहले 5 महीने में एक्चुअली में क्या है कि जो क्रूड ऑयल का पर बैरल डॉलर दाम था 5 महीने, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई की बात करें 2021 के, ठीक है, तो इसमें जो है क्रूड ऑयल का जो प्राइस था वो लोवेस्ट था, $19 पे था पर बैरल, ठीक है। और ये थोड़ा सा एक्सटेंड करा, एक्सटेंड करने के बाद ये ₹52 पर डॉलर हुआ, और इसके बाद अभी अगर हम इस समय बात करते हैं, इस वीक में बात करते हैं, तो ये 71 जो है पर बैरल डॉलर हो गया, मतलब 19 से सीधे 71 पे पहुंच गया। एक्चुअली में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो जब थोड़ा सा अनलॉक स्टार्ट हो गया तो अनलॉक की वजह से थोड़ा सा इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। अब जब इकोनॉमिक एक्टिविटी जब स्टार्ट होगी तो जाहिर सी बात है कि क्रूड ऑयल का डिमांड बढ़ेगा, और जब इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं थी तो जो भी मेजर कंट्री हैं जो एक्चुअली में क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन करती हैं, जिनको हम ओपेक कंट्री कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, उन्होंने क्या किया था कि इसकी सप्लाई वॉलेंट्री जो है वो कट कर दी थी, जानबूझ के उसकी सप्लाई कट कर दी थी, और इस समय भी उन्होंने सप्लाई कट कर रखी है। तो अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो डिमांड तो बढ़ेगा क्रूड ऑयल का, और जब उसकी सप्लाई जो है वो एक्चुअली में कम होगी इंटरनेशनल लेवल पे, तो जाहिर सी बात है उसका क्रूड ऑयल का प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और क्रूड ऑयल एक ऐसी चीज़ है कि जिससे सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ट्रांसपोर्टेशन से लेके इंडस्ट्री से लेके हर चीज़ें जो है वो क्रूड ऑयल से जुड़ी हुई हैं, तो उससे रिलेटेड स्पायरल बनना अपने आप इकॉनमी में स्टार्ट हो जाएगा, उनकी भी प्राइजेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। और प्राइस तो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंज्यूमर चिल्लाएगा, प्राइस अगर कम होगा तो प्रोड्यूसर चिल्लाएगा, क्योंकि प्राइस कम होगा तो प्रोड्यूसर इसलिए चिल्लाएगा क्योंकि उसको प्रॉफिट कम होगा, और अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो कंज्यूमर इसलिए चिल्लाएगा क्योंकि वो ज़्यादा प्राइस में उसको खरीदना नहीं चाहता है। तो प्राइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इकोनॉमिक्स। अब अगर हम बात करते हैं तो 1971 पे पहुंच चुका है, ठीक है। अब देखो एक्चुअली में क्या है कि अगर मैं ओपेक कंट्री की बात करूँ तो ओपेक कंट्री में जो सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन करता है उस कंट्री का नाम है सऊदी अरबिया। जैसा कि सऊदी अरबिया ने अपना जो है एडिशनल जो वो प्रोडक्शन करता है उसको वॉलेंट्री जो है उसको उसने क्या कर दिया था, कट कर दिया था, 1 मिलियन बैरल पर डे, मतलब एक दिन में वो 1 मिलियन जो है प्रोडक्ट बैरल प्रोडक्शन कम करना स्टार्ट कर दिया फरवरी और अप्रैल में। और इससे अगर हम ओवरऑल लेवल पे पहुंचते हैं तो केवल जो है वो 2.5 लाख बैरल ही पहुंचा प्रोडक्शन, और साथ ही साथ उसने मई महीने में ये रिस्टोर कर दिया कि हम 7.5 लाख बैरल ही प्रोडक्शन करेंगे, मतलब 7.5 लाख जो बैरल प्रोडक्शन होगा वो केवल जून और जुलाई के लिए होगा, और अपना प्रोडक्शन, मतलब कहने का मतलब क्या, वो अपना प्रोडक्शन कम करता गया, जानबूझ के वो अपना प्रोडक्शन कम करता गया। समझ में आया कि नहीं है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फरवरी की बात कर रहा हूँ, अप्रैल की बात कर रहा हूँ, जून की बात कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जुलाई की बात कर रहा हूँ, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने लगी तो उसका डिमांड बढ़ने लगा, एक साइड उसका डिमांड बढ़ रहा है, और जिधर से मेजर कंट्रियाँ जिस साइड से प्रोडक्शन कर रही हैं वो अपने प्रोडक्शन को वॉलेंट्री कट कर रही हैं। अगर उसी के दूसरे साइड में देखा जाए तो जो ओपेक प्लस कंट्री हैं, ओपेक प्लस कंट्री ने ये कहा है कि हम प्रोडक्शन जो है वो 3.5 लाख बैरल पर डे करेंगे, और जून और जुलाई में इसको बढ़ा के 4,41,000 बैरल पर डे कर देंगे। ओपेक प्लस का मतलब एक्चुअली क्या हुआ, ओपेक प्लस का मतलब ये हुआ कि जो ओपेक कंट्री हैं, जो सऊदी अरबिया हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, इनको छोड़ के जो कंट्री हैं जहाँ से प्रोडक्शन होता है उसको एक्चुअली में हम ओपेक प्लस कंट्री कहते हैं। जैसे उसमें
बहरीन हो गया, ब्रुनोई हो गया, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रसिया, साउथ सूडान, सूडान, ये जो कंट्रियाँ हो गई, एक्चुअली मैं इनको, ये नॉन ओपेक कंट्री हैं, ये ओपेक के अंदर में नहीं आती हैं, लेकिन यहाँ से भी क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन होता है। तो इन्होंने ये कहा है कि भाई हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे थोड़ा सा, उसको मतलब उसको भी उन्होंने कहा है कि भाई हम 3.5 लाख बैरल पर डे करेंगे जून में और 4,41,000 बैरल पर डे करेंगे जुलाई में। समझ में आई कि नहीं है? तो अगर हम ये देखते हैं ध्यान से, तो ये रही ओपेक प्लस मेंबर कंट्रीज़ का। अगर मैं इराक की बात करूँ, ईरान की बात करूँ, यूएई की बात करूँ, सऊदी अरब की बात करूँ, कुवैत की बात करूँ, तो ये ओपेक कंट्री है। लेकिन उसके अलावा जो आपको ये मैप में दिखाई दे रहा है, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये बेसिकली जो है नॉन ओपेक कंट्री हैं, ये भी प्रोडक्शन करती हैं। तो मतलब ओवरऑल मेरे कहने का मतलब क्या है कि ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमी एक्टिविटी स्टार्ट हुई तो थोड़ा डिमांड बढ़ी, लेकिन जहाँ से सप्लाई होनी चाहिए वहीं से सप्लाई हो नहीं रही है। समझ में आई कि नहीं है? लेकिन इन लोगों ने ये भी कहा, एक्सपर्ट से ये भी कहा है, एक्सपर्ट लोग ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे जो भी कंट्रियाँ हैं, समझ में आई कि नहीं है, जहाँ से क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन होता है, तो ये धीरे धीरे क्या बोलते हैं, अपना जो वॉलेंट्री इन्होंने अपना प्रोडक्शन कट किया है, ये धीरे धीरे उसको कम करेंगी, और अगर उसको मतलब उसको बढ़ाना स्टार्ट करेंगी, जब उसको बढ़ाना स्टार्ट करेंगी तो जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये भी तो देखिए 2019, 2020 और 2021 में जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन हो रहा है, अब उनके यहाँ से भी सप्लाई नहीं जा रही थी तो उनको भी तो लॉस हो रहा था। तो वो ये सोच रहे हैं कि अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हुई है तो हम ज़्यादा गेन कर लें। जैसे लिखा ना, एक्सपर्ट हैव नोटेड हाउएवर दैट द ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ कट्स इज अनलाइकली टू हैव एनी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन प्राइजेस एज डिमांड फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंक्रीजेज एज डिमांड इंक्रीजेज स्पर्ड बाई इंक्रीजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्योंकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, अभी जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो भाई क्रूड ऑयल के डिमांड तो बढ़ेगा ही। तो अल्टीमेटली जो उन्होंने अपना पॉलिसी, ये अपना वॉलेंट्री इन्होंने जो प्रोडक्शन को कट किया, अल्टीमेटली इनको बढ़ाना ही पड़ेगा। लेकिन ये सोच रहे हैं ना जो प्रोड्यूसिंग कंट्री, वो ये सोच रहे हैं कि इसी समय हम थोड़ा फ़ायदा कमा लें और कोई इसका मैटर नहीं है। और अगर हम इंडिया में बात करेंगे तो इंडिया में इसका एक्चुअली में इम्पैक्ट क्या होगा, तो इंडिया में अगर हम देखते हैं तो इंडिया में आप देख लीजिए कि अगर मैं बात करता हूँ तो केवल इस साल में, समझ में आएगी नहीं है, 10.8 रुपये पर मतलब 10.8 रुपया पर लीटर प्राइस बढ़ा है पेट्रोल का, और 11 मतलब 11.5 रुपये जो है वो डीजल का प्राइस जो है सेम टाइम में इंक्रीज़ करा है। और गवर्नमेंट ने जो है पेट्रोल पे 2020 में और डीजल पे लमसम जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है 13 रुपये, समझ में आया कि नहीं, 13 रुपये पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, 16 रुपये जो है क्या बोलते हैं उसने डीजल पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि देखो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू को शोर अप करने का केवल यही तरीका है। क्योंकि गवर्नमेंट के पास देखो रेवेन्यू, बजट में रेवेन्यू में तो उसको कुछ पास रह नहीं गया है, एक्सपेंडिचर कम होने वाले नहीं है, तो वो रेवेन्यू कैसे रेज करे, समझ में आया कि नहीं, उसके पास पैसा कैसे आए, इसीलिए वो जो है क्या कर रही है। क्योंकि जब क्रूड ऑयल का प्राइस कम था तो उस समय हमें उतना टैक्स नहीं रखना चाहिए था। क्योंकि होता क्या है, जब क्रूड ऑयल का प्राइस अगर कम होता है तो उस समय अगर गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो टैक्स कम कर दे तो लोगों को सुविधा हो, या तो ये भी कर सकती है गवर्नमेंट की क्या बोलते हैं कि जब क्रूड ऑयल का प्राइस कम है तो उस समय टैक्स बढ़ा के अपना रेवेन्यू ज़्यादा कलेक्ट कर ले। तो गवर्नमेंट के भी समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली में हम क्या करें, समझ में आए कि नहीं है। जब क्रूड ऑयल का प्राइस कम था, जब 19 रुपये पर डॉलर था, तो उस समय भी प्राइस चाहती तो गवर्नमेंट टैक्स जो है वो कम कर देती, समझ में आ गया, तो इतना हाइक पेट्रोल और डीजल का नहीं होता। लेकिन गवर्नमेंट क्या करे, उसके पास पेंडेमिक के वजह से जो है रेवेन्यू है ही नहीं, तो वो शुरू से जब से क्रूड ऑयल का प्राइस कम है तब से ही वो क्या बोलते हैं टैक्स को हाइक कर रखी है। इसीलिए आपको इधर भी जितना दिखाई दे रहा है कि पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ गया है, एक्चुअली में क्यों बढ़ा है, क्योंकि उस पर टैक्सेस गवर्नमेंट जानबूझ के एक्स्ट्रा बढ़ा रही है। क्योंकि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू नहीं है, कोई उपाय नहीं है रेवेन्यू का, तो वो ये सोच रही है कैसे भी जनरल पब्लिक से ही हम क्या कर लें, रेवेन्यू वसूल लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, जरूर से कमेंट करिए आपको कैसा वीडियो लगा। इंस्टाग्राम और मुझे टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। बाय।